किसानों ने दिया कलेक्टर के बंगले के बाहर धरना। मंडी में किसानों को इन दोनों खाद की काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लंबी लंबी कतारों में लगने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल पाती, जिससे रुष्ट होकर किसानों ने आज कलेक्टर बंगले के बाहर धरना दिया। धरना देने वाले किसानों ने बताया कि 2 दिन से लाइन में लगे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पाई है। जैसे ही इसकी जानकारी तहसीलदार को लगी तो वह मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाकर धरना समाप्त करवाया। साथ ही मंडी में पहुंचकर कर्मचारियों से कहा कि किसी भी किसान को बिना खाद के यहां से जाने ना दें। रात के 2 बजे से तीन दिन से परेशान हो रहे हो। तो क्या कलेक्टर साहब ने क्या बोला तक? अभी नहीं मिले खाद, नहीं मिल रही खाद, नहीं मिल रही, विलय कर रहे हैं। मुझे कल ज्यादा जनता आ जाएगी सर, आया हूँ की समस्या कहाँ और कल लोग बाग रह गए थे खाद, परसों बड़वे बगैर उन्हें कल ले देंगे। थैंक यू। आ रहे हो कह रहे हैं, हमने किसी को भेज दिया, चाटिल साहब कह रहे हैं, डीएम साहब किसी को भेज रहे हैं। आप किसके बात कर रहे हैं? अपने मालिक कलेक्टर साहब है, उनके पास पहुँचे, उनने एक ही जवाब दिया अपने कि झांकियो आए, और हमने कोई नहीं है किसानों का, उन्होंने यही डायरेक्ट जवाब दिया हमें। कल पर ज्यादा तादाद हो जाएगी ना, हम लोग और भी लगाते कल दूनी आ गए, 3 दूनी यार आस वाले हैं। हां कल शाम के इसको मान के आदेश को बना लेंगे, मान के एक आज आज ही बटेगा। आप लोग तैयार रहो, कैसे भी बांटेगा उसको, बांटे पड़े ही नहीं तो उसके एक काम करो, उसके ऊपर कार्रवाई करो। आप भी तैयार करो, नहीं नहीं गलत काम नहीं होगा।